वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ में, इससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मी नीतू और आप सब देख रहे हो रॉबी नीतू व्लॉग्स। तो आज है फ्राइडे और मैं अपना व्लॉग जो हूँ 11 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली आज यहाँ आगरा में बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। और जब ठंड पड़ती है ना तो जो बेड होता है ना उसकी ग्रेविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ऐसा लगता है कि थोड़ी सी देर और सो लिया जाए, थोड़ी सी देर और सो लिया जाए, थोड़ी सी देर और सो लिया जाए। और इसी को करते 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 मुझे बज चुके हैं 11:30 और आज मैंने बेड को बिल्कुल नहीं बनाया है और बाकी की जो क्लीनिंग थी वो मैं सुबह कर ही लेती हूँ। तो आज खाने में मैं बनाऊँगी खिचड़ी। तो सबसे पहले मैं खिचड़ी चढ़ा आती हूँ गैस के ऊपर, फिर उसके बाद में मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से बालों को लेकर के। एक्चुअली बालों को लेकर के मुझे सुबह सुबह एक कमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं उनकी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करूँ, कि उनके बाल जो है वो नहीं बढ़ रहे आ रहे हैं, रिग्रोथ नहीं हो रही है एक्चुअली। तो उन्होंने मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट किया और इसके अलावा इंस्टा पे भी मुझे कमेंट किया, मैसेज किया। तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए क्योंकि आजकल जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है ना काफ़ी लोगों को हो रही है और वो काफ़ी हद तक है ना बहुत सारी मतलब ट्रीटमेंट करते हैं, हैवी हैवी दवाइयाँ भी ले लेते हैं, हेल्दी फूड भी खा लेते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि बताई जाती हैं वो सब वो कर लेते हैं। मतलब कि कहते हैं कि बाल जो झड़ते हैं वो स्ट्रेस का एक सबसे बड़ा रीज़न होता है, तो स्ट्रेस के लिए वो वॉक भी करते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। उसके अलावा हेल्थ की वजह से होती है, तो हेल्थ के लिए आप न्यूट्रिशन जो डाइट होती है वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो रीज़न होता है वो होता है आपके जैसे जो आपके फैमिली में ही, मतलब अगर किसी और को भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आपको ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका नहीं है, इसके लिए तो आपको डाई की तरफ ही जाना पड़ेगा। और डाई भी ऐसी जो वंशु रो रहा है। तो किचन में जाने से पहले मुझे लगा कि मुझे बेड को ही बना लेना चाहिए पहले, क्योंकि 11:30 हो रहे हैं और बेड अभी तक भी ऐसे ही पड़ा हुआ है और इतनी देर तक बिस्तर पड़े रहना मतलब कि दिलदर की निशानी होती है इतनी देर देर तक बिस्तरों को पड़ा रहना। लेकिन क्या करें, सर्दी के अंदर बिस्तर उठाने का, ब्लैंकेट में से निकलने का मन ही नहीं करता। तो यहाँ पर मैंने ब्लैंकेट वगैरह जो है उनको उठा के रख दिया है, फ़ोन देखने लग गई, मैसेज आया तो नहीं आया किसी का। और यहाँ पर मैं बेडशीट को जो हूँ झड़कार रही हूँ, मैं डेली ही झड़कारती हूँ और फिर भी चाहती हूँ क्योंकि बच्चे ना कर ही देते हैं कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, जबकि मैं रात में भी फटकार के ही सोती हूँ। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि आपके बेड के सामने ही ना ड्रेसिंग है, ऐसे शीशा नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग तो कि मेरे बेड के बिल्कुल सामने नहीं है, बेड के सामने तो वॉल है। और दूसरी बात कि उनका कहना भी सही है कि बेड है ना जो पर्पज़ ये होता है कि जो मिरर होता है ना उसके अंदर बेड नहीं देखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जब हम रात में सोते हैं ना उस टाइम पे ये जो हमारा मिरर वाला जो गेट है ना ड्रेसिंग का ये खुल जाता है, तो हम इसको खोल करके और फिर सोते हैं, हम ऐसे नहीं सोते हैं। तो ये सुबह के टाइम हम लोग बंद कर देते हैं क्योंकि सुबह के टाइम वंशु भी आता है ऊपर और वो सामान को छेड़ता है, इधर उधर इधर उधर पाउडर को फैला देता है, तो इसलिए मुझे ये जो है ड्रेसिंग का शीशा लगा देना पड़ता है। और अभी मैं फ़िलहाल कर रही हूँ सोफ़े के कवर वगैरह साफ़ करने लग गई हूँ, झड़काने लग गई हूँ और उसके बाद में बस जाऊँगी किचन में खिचड़ी बनाने के लिए। एक्चुअली हर्षित के ना दांत जो है वो गिर रहे हैं, मतलब टूट रहे हैं, एज ऐसी है ना तो उससे कुछ खाया नहीं जा रहा, तो मैंने उसको बोला कि मैं उसको खिचड़ी बना देती हूँ, तो इसलिए मैं उसके लिए खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। गर्मी आ गई, एसी लगवा लूं। अच्छा गर्मी आ गई, एसी लगवा लूं, ठीक है अभी लगवाएंगे। अब तो सर्दी है, सर्दी है, देख बोला सर्दी है, सर्दी कहाँ है, गर्मी आ गई है। अब गर्मी आ गई है। तो मैं आ गई हूँ किचन में और आने के बाद में मैं यहाँ पर खिचड़ी के लिए जो चावल है वो लिए हैं मैंने, और मैं थोड़ी ज़्यादा से ही बनाऊँगी जिससे कि हर्षित जो है दोनों टाइम ही खा ले, नहीं तो फिर शाम को भी प्रॉब्लम होगी उसको खाने में। तो इसी को मैं गर्म करके दे दूँगी और थोड़ी ज़्यादा सी बना रही हूँ क्योंकि जो हर्षित के पापा है ना इनको भी खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, हींग जीरे का तड़का लगाओ मिर्ची डाल के, तो इन्हें बहुत अच्छी लगती है।
और यहाँ पर मैं बस चावल और जो दाल है उसे बीनने लग रही हूँ। तो दाल जो है मैंने यहाँ पर अरहर की ली है। आप चाहें तो जो हरी दाल होती है ना मूंग की, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को हरी मूंग की दाल की खिचड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो हम लोग तो है ना अरहर की दाल की खिचड़ी ही खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल के साथ में अरहर की दाल को मिक्स किया है और उसके बाद में मैं बस इसको अच्छे से धो लूँगी 2-3 बार रगड़ रगड़ के। तो अच्छे से धो लेने के बाद में इसे मैं कुकर में चढ़ा दूंगी। तो खिचड़ी जो है वो कई तरीके से बनती है। कई लोग होते हैं जो लहसुन प्याज टमाटर और बहुत सारी वेजिटेबल्स वगैरह डाल करके फिर बनाते हैं और फिर तड़का लगाते हैं, और पर मैं यहाँ पर कोई भी वेजिटेबल वगैरह नहीं डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल खिचड़ी बना रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे कोई भी एक्सपेरिमेंट के चक्कर में वो भूखा रह जाए हर्षित, क्योंकि उसका ये रहता है बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव। बच्चे अगर ना सब कुछ खा लेते होते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर बच्चे बहुत ही ज़्यादा है ना सेलेक्टिव होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा चूजी होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मम्मीज़ को। तो यहाँ पर मेरी जो दाल और चावल है वो धुल गए हैं, तो मैं उसे कुकर में डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल में पानी डाल दिया है। पानी इतना डालना है, अगर आप गाढ़ी खाते हो तो उसका डबल पानी डाल दीजिए, मतलब जितना जैसे एक कटोरी की दाल और चावल है तो 2 कटोरी आप पानी डाल दीजिए, और अगर आप पतली खाते हैं तो आप 3 कटोरी भी डाल सकते हो। तो हम लोग तो क्या है कि पतली खाते हैं, लेकिन मैं बनाते समय कम पानी डालती हूँ, फिर उसके बाद में मैं गर्म पानी करके फिर डालती हूँ, इससे जल्दी बन जाती है खिचड़ी। तो मैं एक बार फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने। एक्चुअली खिचड़ी बनाने रख दी है, उसमें सीटी आएगी, उसके बाद में वो खुलेगी, खुलने के बाद में उसमें तड़का लगाऊंगी, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो मुझे लगा कि मैं जो मैं बात कर रही थी उसे कंटिन्यू करती हूँ। एक्चुअली आजकल बालों को झड़ने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है, और विंटर आ गए हैं तो बहुत ही ज़्यादा झड़ेंगे। तो बाल झड़ेंगे ना ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर बालों की रीग्रोथ नहीं होती है, मतलब कि अगर हमारे बाल बस झड़ते ही रहे झड़ते ही रहे झड़ते ही रहे तो हम गंजे हो जाएंगे, हमारे बाल जो हैं वो आएंगे नहीं। तो इसलिए बालों का आना बहुत ज़रूरी है, और बालों के अगर किसी को ये वाली प्रॉब्लम होती है ना तो वो ही समझ सकता है इस वाली दुख को कि अब क्या करें। सारे ट्रीटमेंट कर लेते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और इतने सारे वीडियोस देख डाले, सब कुछ कर डाला आप लोगों ने, तो उसके बाद में भी अगर आपके बाल नहीं आ रहे हैं तो आप एक चीज़ जो अब मैं कहने वाली हूँ वो आप ट्राई कीजिएगा। क्योंकि बाल जो होते हैं ना, एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं आप लोगों को ये वाली बात बोल रही हूँ कि जो बाल होते हैं ना वो शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि ये शनि ग्रह को दर्शाते हैं। आपने बड़े बूढ़ों से कहते हुए सुना होगा कि इतने बड़े बाल हो रहे हैं दिलद्धर की निशानी है ना, कहते हुए सुना होगा कि जैसे नाखून बड़े हो जाते हैं, तो हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि ये दिलद्धर की निशानी होती है, ऐसे नहीं रखने चाहिए बाल, लड़कों के बाल बड़े हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा मूंछ वगैरह आ जाती है, तो फिर बोलते हैं ना ये दिलद्धर की निशानी होते हैं ये। तो ये जो बाल होते हैं ना वो शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपका जो शनि है वो स्ट्रांग होगा, अगर आपका शनि स्ट्रांग होगा तो आपके बाल जो है ना अच्छे होंगे, घने होंगे, आपकी थ्रेडिंग आईलैशेस आपके घनी होंगी और आपके बॉडी पे है ना बाल ज़्यादा होंगे अगर आपके जो शनि ग्रह है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपका शनि जो है वो नॉर्मल होगा तो आपके बाल जो है वो नॉर्मल रहेंगे, जैसे कि मेरे हैं तो मेरे नॉर्मल बाल हैं, आईलैशेस हैं या मेरी थ्रेडिंग है नॉर्मल है मेरी, तो मेरे शनि जो है वो नॉर्मल है। और अगर आपके ना बाल जो है झड़ रहे हैं और रीग्रोथ नहीं हो रही है और आपके आईलैशेस भी कम हैं, आपकी ये थ्रेडिंग भी बहुत कम है, तो आप समझ जाइए कि आपका जो शनि है वो कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। तो अब इस टाइम पे आपको करना क्या है, आपको जो सरसों का तेल होता है वो आप किसी गरीब को दान कीजिए जो उसको यूज़ में ले, और हो सके तो ऐसे प्रोडक्ट जो बालों में लगाए जाते हैं उनका दान कीजिए, जैसे कि शैम्पू है या बालों में लगाने वाला तेल है या क्लचर है या बक्कल वगैरह जो भी होता है ना, ये बालों पे लगाने वाली चीज़ें जो होती हैं उनका दान कीजिए। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगी जो सरसों का तेल होता है ना वो आप दान कीजिए, तो आपके जो शनि की दशा है ना वो सही होगी, नॉर्मल होगी, तो आपके बाल जो है वो आने लगेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरह से आप इसी चीज़ पर डिपेंड हो जाइए, आप है ना जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट, तो आप एक बार ये जो तेल का दान है जो आप कर रहे हैं ना अपने बालों के लिए ट्रीटमेंट वो करते रहिए। उसके अलावा जो ये मैंने बताया ना तेल को दान करने वाला आइडिया, तो ये वाला भी आप फॉलो कीजिए, और इसके साथ ही जो आप करते हैं अपनी हेल्थ
आपकी जो हेल्दी डाइट है उसका फॉलो कीजिए और स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। स्ट्रेस के लिए आप मेडिटेशन कीजिए, वॉक पे जाइए, तो आपका आप अगर रूटीन में करेंगे ना ये काम, डेली बेसिस पे करेंगे, तो आपका स्ट्रेस का जो लेवल है ना वो अमेजिंग होगा, मतलब कि बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आएगा। और उसके अलावा आप हेल्दी डाइट लीजिए, जो भी बालों के लिए जो ज़रूरी पोषण तत्व होते हैं वो लीजिए, विटामिन सी लीजिए, और बालों के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए आप आंवले का यूज़ कर सकते हैं। कहते हैं कि विटामिन सी जो है वो आंवले के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो आप विटामिन सी ले सकते हैं। उसके अलावा आप जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने चारों ओर ग्रीनरी लगाइए, मतलब कि पेड़ पौधे लगाइए, जिससे कि जो आपका आसपास का वातावरण है वो साफ़ सुथरा रहे। और उसके अलावा जो जेनेटिकली है उसका तो खैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जेनेटिकली है, लेकिन अगर आपके जेनेटिकली नहीं है तो आप ये तीन चीज़ें हैं वो तो आप फॉलो कीजिए। उसके अलावा जो तेल वाला दान है वो भी कीजिए, तो फिर आई एम श्योरली सेइंग दैट कि आपके जो बाल हैं वो रीग्रोथ होने लग जाएंगे। तो बस यही मैं कहना चाह रही थी, और अब इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय माता दी।